आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एड न्यू हब स्पॉट लीड टू सेल्स फोर्स हब स्पॉट और सेल्स फोर्स दोनों ही सीआरएम प्लेटफॉर्म है अब आप चाहते हैं कि जब भी आप हब स्पॉट लीड क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली वो सीम लीड जाके क्रिएट हो जाए सेल्स फोर्स में भी ताकि आप रख सके उसका बैकअप जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिकनेट की मदद से हब स्पॉट और सेल्स फोर्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया कांटेक्ट ऐड होना हब स्पॉट में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम कांटेक्ट क्रिएट हो जाना सेल्स फोर्स में भी तो कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को आप कैसे कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशन को कनेक्ट आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन हब स्पॉट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे हब स्पॉट पर आप कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली वो सीम कॉन्टैक्ट एज अ लीड क्रिएट हो जाए सेल्स फोर्स में तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से सेल्स फोर्स और हबस्पॉट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके चलते हैं न्यू टैप पे आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज पब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशन को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एक्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे साइन इन पे क्लिक करती हैं आपके सामने ओपन होंगे पब्लिक की पाँच पैन एप्लीकेशन आज हमको यूज़ करना है पब्लिक कनेक्ट का क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशन के बीच में इसलिए हम यूज़ करेंगे पैब्लिक कनेक्ट का क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे एक्सेस नाउ पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होगा का हमको जाना पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्क फ्लो पेट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे मैं इसे नाम देता हूँ एड न्यू हब स्पॉट टू सील्स फोर्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे क्रिएट पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं इन दोनों के डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस डिसपेंस मतलब जब ऐसा हो तो एक्शन कहता है डू दिस मतलब ऐसा कर दो तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हब स्पॉट पे मैं कोई नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करूं तो मैं चाहता हूं कि जो सेम कॉन्टेक्ट है वो एज अ लीड मतलब एज अ कॉन्टेक्ट सीज फोर्स पर भी जाके हो जाए क्रिएट वो भी ऑटोमेटिकली तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी हब स्पॉट हब स्पॉट पर वैन दिस है जैसे कोई नया कॉन्टेंट क्रिएट हो तो एक्शन मतलब सेल्स फोर्स में डू दिस मतलब एक लीड क्रिएट कर दो तो ये होता है ट्रिगर एंड एक्शन तो सबसे पहले चूज करते हैं हम एप्लीकेशन यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू कॉन्टेक्ट एडेड इसका मतलब हब स्पॉट सी आर एम में जैसे कोई नया कॉन्टेक्ट ऐड होगा हम चाहते हैं हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाए उसकी सारी डिटेल्स पहले फैच होगी पब्लिक कनेक्ट के पास और फिर पब्लिक कनेक्ट की मदद से हम एक ऐसा ऑटोमेशन बना देंगे कि वो डिटेल्स ट्रांसफर हो जाएंगी सेल्स फोर्स में एज अ लीड क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और अब हबस्पॉट सी आर एम के अकाउंट को हम कनेक्ट करते हैं पब्लिक कनेक्ट से जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद हब स्पॉट सी आर एम मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगडिन है तो से मैं चूज करूँगा मेरा अकाउंट और आप देखेंगे जो हमारे हब हाँ स्पॉट सी का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से और देखिए हमारा ऑथोजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमसे पूछ रहा है आउटपुट प्रॉपर्टीज इसका मतलब ये है कि जब भी हम हम स्पॉट पर कोई नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो भी फील्ड्स हम वहाँ पे फिल करेंगे वही सेम फील्ड्स यहाँ पे हमको करनी है चूज जैसे मैं वो फील्ड्स यहाँ पे चूज करूंगा और सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली उस कॉन्टेक्ट की सारी डिटेल्स फेच हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास पर आउटपुट प्रॉपर्टीज चूज करने से पहले हमको जाना है हब स्पॉट सी के अकाउंट

तो देखिए कंट्री है इंडिया सिटी है इंदौर कंपनी नेम पेवली ये हमारे कॉन्टेक्ट का फोन नंबर लास्ट नेम कुमार फर्स्ट नेम हर्ष और ये है मेल आई डी ए बी सी एट द रेट पेबलीट्यूट डॉट कॉम क्लिक करते हैं क्रिएट पे और देखिए यहाँ पे हमने अब स्पॉट पे एक नई लीड क्रिएट कर दी है मतलब एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट कर दिया है, तो देखिए हर्ष कुमार के नाम से यहाँ पे कॉन्टेट क्रिएट हो चुका है अब जाएंगे हम पेब्लिक कनेक्ट पे और आउटपुट प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज हमने फिल करी है उस कॉन्टेक्ट को क्रिएट करने के लिए लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी कंपनी नेम वो सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है चूज तो सबसे पहले चूज करते हैं फर्स्ट नेम से तो फर्स्ट नेम क्या था यहाँ से मैं चूज कर दूंगा फर्स्ट नेम देन था लास्ट नेम जो भी प्रॉपर्टीज हमने फिल करी थी वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे करेंगे चूज और सेव एंड सेंड टेस्ट के बारे पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे फिल करी थी उसकी सारी डिटेल्स फेच हो जाएगी पब्लिक एनेट के पास तो देखिए फर्स्ट टाइम मैंने चूज कर लिया लास्ट टाइम मैंने चूज कर लिया देन चूज करेंगे हम ई मेल से चूज करेंगे ई ये हो गया ई फिर आता है कंपनी कंपनी का नेम भी हमने फिल किया था कंपनी नेम फिर था सिटी और फिर था कंट्री तो देखिए यही सारी फील्ड्स हमने फिल करी थी जब हमने कॉन्टेंट क्रिएट किया था स्पॉट पे आउटपुट प्रॉपर्टीज में मैंने वो सारी फील्ड्स यहाँ पे चूज कर लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सिटी कंट्री कंपनी नेम अब जैसे मैं सीवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा जो भी डेटा हमने फिल किया था अभी हब स्पॉट पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए उसका रिस्पांस कैप्चर हो जाएगा पब्लिक एनेट के पास और फिर पब्लिक एनेट की मदद से जो भी रिस्पांस हमारे पास कैप्चर होगा हाफ स्पॉट से उन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके हम सेल्स फोर्स में एक लीड कर देंगे क्रिएट क्लिक करते सीवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको ए रिस्पांस रिसीव हो चुका है हर्ष कुमार के नाम से जो कांटेक्ट हमने क्रिएट किया था वही सेम कांटेक्ट की डिटेल्स सब पर फैच हो चुकी है पब्लिक पब्लिकेनेट के पास आप देख सकते हैं यही सेम कांटेक्ट मैंने किया था क्रिएट हर्ष कुमार पेबलीटूड्स ए बी सी वही सारी फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी है मतलब हमको ई पी रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है तो देखिए ये था हमारे कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम हर्ष लास्ट नेम कुमार ये थी उनकी मेल आईडी कंट्री थी इंडिया कंपनी थी पैबली, सिटी थी इंदौर इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है हमने हब स्पॉट सीआरएम और कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे हब स्पॉट सीआरएम में हम कोई नया कॉन्टेक्ट एड करेंगे कोई नई लीड क्रिएट करेंगे तो दस मिनट के अंदर उसकी सारी डिटेल्स फैच हो जाएगी पेब्लिक कनेक्ट के पास अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दस मिनट क्यों बोला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेन मिनट्स इसका मतलब ये है कि जो हब स्पॉट सीआरएम और कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है तो जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिकर है वो हर दस मिनट में जाके हब स्पॉट सीआरएम से सारी डिटेल्स करेगा फेच और पब्लिक कनेक्ट के पास ले आएगा अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन हब स्पॉट सीआरएम में कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट हो तो हम सेल्स फोर्स में लीड करना चाहते हैं क्रिएट तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन क्या होगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी सेल्स फोर्स तो यहाँ से मैं चूज करूंगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन देन आता एक्शन इवेंट तो एक्शन इवेंट पे हमको क्या करना है मतलब सेल्स फोर्स में हमको क्या करना है सेल्स फोर्स में हमको एक लीड करनी है क्रिएट तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरा एक्शन इवेंट क्रिएट लीड क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और अब सेल्स फोर्स के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से जाना है एडम्यू कनेक्शन पे फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉकड इन है तो यहाँ पे मेरे को केवल एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करने के लिए तो क्लिक कर दूंगा मैं अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो चुका है इसका मतलब जो हमारे सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से अकाउंट कनेक्ट होते ही मतलब लीड क्रिएट करने के लिए हमको ये सारी फील्ड्स यहाँ पे करनी है फिल लाइक लास्ट नेम फर्स्ट नेम कंपनी फोन ई एंड ये सारी फील्ड्स अब देखिए जैसे ही मैंने हब स्पॉट पर कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट किया ये जो कॉन्टेक्ट मैंने क्रिएट किया हर्ष कुमार के नाम से मेल आई फोन नंबर ई जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी थी हबस्पॉट पर कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए यही सेम डिटेल्स का यूज़ करके मेरे को सेल्स फोर्स में एक लीड करनी है क्रिएट तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे अब ये सारी जो फील्ड्स हम फिल करेंगे इसमें हम यूज़ करेंगे मैपिंग का मतलब जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब हब स्पॉट से यही सेम रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे हब स्पॉट पे जो भी कॉन्ट्रेक्ट मैंने क्रिएट किया है यही सेम कॉन्ट्रैक्ट एज अ लीड क्रिएट होगा सेल्स फोर्स में जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे ये फील्ड्स फिल करते हैं हम मैपिंग की मदद से अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हब स्पॉट पे इसी रिस्पांस का यूज हम यहां पे कर लेंगे वो भी विदाउट मेनुअली टाइप करके इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग तो मैं आपको बताता हूं मैपिंग कैसे की जाती है जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए हब स्पॉट सीआरएम हब स्पॉट सी आर एम जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो so, इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब हब स्पॉट से जो भी रिस्पांस हमको कैप्चर हुआ था पब्लिक कनेक्ट पे वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो जो कॉन्टेक्ट हमने क्रिएट किया था हर्ष कुमार के नाम से हबस्पॉट पर उसका लास्ट नेम क्या था कुमार तो देखिए जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा लास्ट नेम कुमार गेरा ये इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप फिर आता है फर्स्ट टाइम इसी तरीके से हम फर्स्ट टाइम भी करेंगे मैं हरिश कुमार टाइटल ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा है ये होती है मैंडेटरी फील्ड्स फिर आता है कंपनी का नेम तो कंपनी नेम क्या था पेबली ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप फिर आता है फोन नंबर तो इसी तरीके से हम मैप कर देंगे फोन नंबर तो देखिए आता हमारा फोन नंबर सेम फोन नंबर जो हबी स्पॉट पर हमने क्रिएट किया था हमारे यूजर के लिए वही सेम फोन नंबर यहाँ पे हमने कर दिया मैप देन आता है मेल एड्रेस तो एट द रेट यहाँ पर मैं जैसे टाइप करूँगा तो ये आ गया हमारे कस्टमर का मेल एड्रेस जो कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट किया था तो आप स्पॉट पर देन वेबसाइट डिस्क्रिप्शन ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है अगर आप इसको चाहें तो आप फिल इसको कर सकते हैं देन आता है लीड सोर्स तो आप लीड सोर्स भी चूज कर सकते हैं मैं लीड सोर्स चूज करता हूँ फोन इंक्वायरी स्टेटस जो अभी हमारा कॉन्टैक्ट का स्टेटस है जो हमारी लीड का स्टेटस है वो आप क्या रखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ उसको वर्किंग कॉन्टैक्टेड देन आप रेटिंग भी दे सकते हैं रेटिंग आप हॉट फॉर्म कोल्ड कुछ भी कर सकते हैं सिलेक्ट में इसको रखता हूँ हॉट स्ट्रीट एड्रेस अगर आप चाहें तो दे सकते हैं सिटी थी हमारी इंदौर तो यहाँ से मैं मैप कर दूंगा सिटी इंदौर देन आती है कंट्री इंडिया तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप मैंने कोई भी मैनुअल वर्क नहीं किया जो रिस्पॉन्स मेरे को हब स्पॉट से मिला था उसी रिस्पॉन्स का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया और ये सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिए फिल अब जैसे ही मैं सीवेंट्स से सेंड टेस्ट के इसके बटन पे क्लिक करूंगा इन्हीं डिटेल्स का यूज करके सेल्सपोर्स में एक लीड हो जाएगी क्रिएट पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हाँ पे मैंने मैपिंग का यूज ही क्यों किया है ये जो फील्ड है हम इसको भी टाइप कर सकते थे जैसे कि ये नेम मैं इसको ऐसे भी टाइप कर सकता था मैनुअली भी टाइप कर सकता था पर मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज इसका मतलब हब स्पॉट पर अगर हम कोई नया कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ डिफरेंट नेम के साथ तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पर आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्क फ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सेल्स फोर्स में एक लीड हो जाएगी क्रिएट वो भी ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ पे ये डेटा ऐसे टाइप कर देते मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट जितनी भी बार ये वर्क फ्लो रन करता हमेशा आपको सेम ही नेम मिलता सेल्स पोस्ट में एज अ लीड इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोसेस सिंपली अब हमको क्लिक करना है तो लीड हो जाएगी क्रिएट और देखिए हमको भी रिसीव हो चुका है जो बता रहा है साथ चलते आप देख सकते हैं ये है मेरे सेल्स फोर्स का अकाउंट लीड्स पर मैंने सेलेक्ट करके रखा है इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखिए हर्ष कुमार के नाम से आप एक लीड क्रिएट हो चुकी है इसको करते हैं ओपन तो देखिए फर्स्ट नेम था हर्ष लास्ट नेम था कुमार ये था लीड सोर्स फोन इंक्वायरी ये था उनका फोन नंबर ईमेल एड्रेस लीड स्टेटस मैंने चूज किया था वर्किंग मतलब कॉन्टेक्टेड रेटिंग मैंने दी थी ये और एड्रेस था इंदौर इंडिया इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है सिंपली दो स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा हर दस मिनट में क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया है हब स्पॉट सी और पैर कैनट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है तो जो हमारे वर्क का ट्रिगर है वो हर दस मिनट में जाकर सारी डिटेल्स फैच करेगा हब स्पॉट से इसका मतलब हब स्पॉट में अगर आप कोई नया कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे तो दस मिनट के अंदर सेल्स फोर्स में एक लीड हो जाएगी क्रिएट वो भी ऑटोमेटिकली आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक

अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू